हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोपाल जी के लिए कॉटन क्लॉथ बनाना बताएंगे आपको, जो कि बहुत इजी तरीका से हम लोग बनाएंगे। हमने पहले उनके पैंट के लिए कपड़ा ले लिया है, हमें हाफ पैंट बनाना है। हमने इसकी लंबाई 6 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई भी 7.5 इंच है। तो इसको पहले हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद भी इसकी लंबाई चौड़ाई एक बार नाप लेते हैं हम, क्योंकि इसकी हमारी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी और लंबाई हमारी कम रहेगी। चौड़ाई ये वाली हो जाएगी, हमारी लंबाई पैंट की ये वाली हो जाएगी। ये 3.5 है हमारा। और ये 6.25 है। अब इसके बाद हमें इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है इस तरह से। डबल फोल्ड तो हमने किया था, डबल फोल्ड को एक बार हमें फिर से इसे फोल्ड करना है। इस तरह हम इसे 4 फोल्ड कर दिए। अब जिधर से हमारा पोर्शन खुला है उधर के साइड से हमें इस तरह से रखना है। और रखने के बाद में 1 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंच हम इधर से लगाएंगे नाप के। हमने लगा दिया। अब इसके बाद हमें इसको इस तरह से निशाना लगाना है। निशाना लगाने के बाद में इसको हमें अब कट करना है। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद में इस तरह से हमारा इसका लुक आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे, अब फोल्ड करके अब इसकी सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। लगा के फिर आपको आगे बता रहे हैं। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इस साइड का भी हम सिलाई लगा लेते हैं। लगा करके फिर आपको आगे बताते हैं। हमने दोनों साइड का इसका सिलाई लगा लिया है। अब हमें इस पर इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक को थोड़ा अंदर से हम इस तरह से खींच कर लगाएंगे। थोड़ा सा ये जो पोर्शन हमारा सिलाई वाला है, इस तरह से हम खींचते हुए लगाएंगे। तो आइए इसको भी लगा लेते हैं हम लोग। देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया इस हमारा इलास्टिक लग चुका है एक साइड में। और ये ज़्यादा हमारा कान्हा जी के जो पैर है उनमें पहनाएंगे तो ये ज़्यादा हमारा टाइट भी नहीं होगा, ज़्यादा लूज भी नहीं होगा। इसी तरह से हम इस साइड भी लगा लेते हैं। लगा करके फिर आपको आगे दिखा रहे हैं। हमारा दोनों साइड बन के ये कंप्लीट है और बहुत ही प्यारा और सुंदर हमारा इलास्टिक लग चुका है। अब इसका ये जो किनारी है कमर का, इस किनारी को इस तरह से हम एक बार या इसको दो बार भी इस तरह से हम फोल्ड कर सकते हैं। ये तो इसको फोल्ड करके इस साइड का और इस साइड का दोनों साइड का हम सिलाई लगा लेते हैं और इस पर भी इसी तरह से हम रबड़ खींच के लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड में रबड़ लगा करके सिलाई कर दिया है। और देखिए बहुत ही अच्छी इसकी शेप भी आ रही है। अब इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह से। अब उल्टा करके ये दोनों कमर को एक साथ करेंगे और इसको एक साथ करेंगे। अब यहाँ से हम
यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये बगल का जो पोर्शन होता है इसको हम सिलाई लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे और इधर से भी लगाएंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के सिला है, तो अगर इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर इसको चाहें तो हल्का सा इसको कट करके आप निकाल देंगे। ये दोनों हमारा जो सिलाई हुआ है उसके साइड का पोर्शन है। अब इसको हम सीधे की तरफ से फोल्ड करके देखते हैं और ये देखिए कितना ही बढ़िया और पैंटी उनका तैयार हो गया है बनके। बनाने में देखिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा और थोड़ा सा भी ये ढीला ढाला नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। ये 6 से 7 नंबर के गोपाल जी में आराम से आ जाएगा। अब आइए इसके ऊपर का हम चोली बनाना बताएंगे आपको। हमने चोली के लिए जो कपड़े लिए हैं उसके कपड़े की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, एक पॉइंट कम है हमारा। और इसकी लंबाई देखें हम, लंबाई हमारा 25 इंच, 25.5 इंच लगभग है। अब इस कपड़े को हम उल्टे के साइड से डबल करके सिल देंगे इस तरह से। पहले यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे किनारे से सिलने को। सिल करके फिर ये पूरा पट्टी किनारे तक हम सिल देंगे। इस वाले पोर्शन को हमें खुला छोड़ना है, लास्ट वाले पोर्शन को। तो मैं इसको फटाफट सिल लेती हूँ, फिर सिल के आपको आगे दिखा रही हूँ। इसको हमने सिल लिया है, सिलने के बाद इसे हमें फोल्ड कर देना है। इसको हम पलट देंगे। सुविधा के अनुसार आप किसी भी चीज़ से पलट सकते हैं, चाहे सुई धागा हो या किसी भी पतले तार से आप पलट सकते हैं, या ये पेंटिंग वाला ब्रश है आप ब्रश से भी पलट सकते हैं इस तरह के कपड़े को। क्योंकि ये हमारा ज़्यादा ही पतला कपड़ा नहीं है, इसको हमने सिलाई नहीं किया है। और इस तरह से देखिए हमने इसको अब ब्रश को हम निकाल देंगे। इसको धीरे धीरे इस तरह से हम पलट देंगे। पलट दिया हमने। अब इसको अच्छे से पहले हम प्रेस कर लेंगे ताकि हमको फ्रिल देने में इजी हो। तो इसको पहले हम प्लेट दे देते हैं, पहले प्रेस कर लेते हैं सॉरी फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये हमारा कपड़ा सेट हो गया। अब इसके ऊपर हमें प्लेट देना है, तो इस तरह से हम प्लेट देंगे इस पर। ये पूरे कपड़ा का हम प्लेट दे देंगे, जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ेगी उस वहाँ तक हम इसको रखेंगे। तो पहले पूरे में हम प्लेट दे देते हैं, दे करके फिर आपको आगे दिखा रहे हैं। इस तरह से हमने इस पर प्लेट दे दिया है और देखिए बहुत ही प्यारा और सुंदर प्लेट बना है। और ये ठाकुर जी के गले में भी डालेंगे। इसके आगे हमें क्या करना है, हमने पतली जैसे इसको काटा था हमने और सिलाई किया था, ठीक वैसे ही इसको हमने कट कर लिया है और उसी तरह से सिलाई करके हमने फोल्ड करके इसको प्रेस कर दिया है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम बता देते हैं आपसे, ये लगभग 1/2 इंच है आप देख सकते हैं। और इसकी लंबाई तो हम अपने हिसाब से लेंगे कि हम कितना तक इसको, लंबाई अभी तक हमने 6.5 रखी है, इसको अब हम कट कर देंगे इस तरह से।
इसको कट कर दिया हमने। अब इसको दो भाग में करेंगे और एक इस तरह से करेंगे। ये हम चार भाग में करेंगे, चार भाग में करेंगे तो सब पर हम मार्क लगाएंगे कि हमारा, वैसे भी ये कपड़ा जो साइज है मार्क लगा लेंगे, या इस तरह से भी इसको आप इसके बाद में ये थोड़ा सा बाजू का छोड़ करके आप इस तरह से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, और एक बाजू यहाँ पर, एक बाजू यहाँ पर करके, और एक दूसरी वाली बाजू आप यहाँ पर कर लेंगे। और ये पीछे वाला जो है यहाँ पर हम बटन लगाएंगे या हुक जो भी लगाना है तो उसको चिपकाने के लिए हम लगा सकते हैं। तो पहले इसको हम जोड़ लें, हमें बीच का देखना है कि बीच का हमारा ठाकुर जी का गला कितना रहेगा, उसके हिसाब से हमें छोड़ना है। तो एक बार फिर से मैं आपको इसमें बता दूं, ये हमारा आधा आधा, देखिए ऐसे भी करेंगे तो हमारा आधा आधा ये हो जा रहा है। तो इसको पहले हम सिल लेते हैं बीच में का, इसके बाद आगे बताते हैं आपको। इस तरह से हमने देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी सिलाई लगा दी है। अब जब इसको पहनाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर एक हुक या बटन लगा देंगे हम, और जब पहनाएंगे ये तो हमारे ठाकुर जी को इस तरह से आएगा। इस तरह से यहाँ पर जब लगा देंगे, लगा करके ये दोनों हम बाजू में डाल देंगे और ये हमारा कंधे के नीचे आएगा, गले के नीचे, इसमें दोनों हमारी बाजू आ जाएगी। और पहनाने पर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फिटिंग, अच्छी लुक भी आएगी इसकी, आप देख सकते हैं। अब आइए इसके साथ का हम टोपी बनाना बताएंगे आपको। कैप के लिए जो हमने कपड़ा लिया है तो हमने इसी में कर लिया है। इसकी लंबाई हम बता दें एक बार आपको, इसकी लंबाई 17 इंच है और इसकी चौड़ाई थोड़ा सा हमारा 2 इंच में कम है, आप देख सकते हैं। अब इसको इस तरह से हम जैसे इस वाले को सिलाई किया था हमने और इस पर फ्रिल दिया था, उसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। आकर के रेडी करते हैं, रेडी करके फिर हम आपको आगे दिखा रहे हैं कि इसके बाद हमें कैप को कैसे बनाना है। इसको हमने पूरे में सिलाई लगा करके इस तरह से चुन्नट दे दी है। अब इसके नाप का यहाँ से लेकर के यहाँ तक कपड़ा लेंगे, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा में लेंगे ताकि हमारा जो बगल का सिलाई करे उसमें हमारा कवर हो जाए। यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक कपड़ा है हमारा, इधर एक्स्ट्रा में हमने थोड़ा सा लिया है सिलाई के लिए। अब इस कपड़े को इस तरह से हम सिलाई करेंगे, इस पर रख करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिल लेते हैं। सीधे साइड से हमें ध्यान रख करके सिलाई करना है। इसको हमने सिल लिया है, सिलने के बाद में इसको इस तरह से हम इसको भी हम सिल लेंगे। यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान देखना है कि यहाँ का पर हल्का सा गैपिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने रबड़ लगाया तो इस तरह से इसका लुक आ रहा है। तो यहाँ पर अगर चाहें तो आप पूरे में सिलाई लगा दिया, सुई धागा से इसको खींच करके भी आप खींच सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक्स्ट्रा में कपड़ा हमने लिया था उसको पकड़ते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो आइए इतना काम पहले हम कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। इस तरह से हमारी ये कैप बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमें कट करना होगा, या यहाँ से हम हल्का सा सिलाई भी लगा लेंगे सुई धागे से भी, जो अभी हमने सिलाई लगाया लास्ट में इसको सुई धागे से भी हम लगा सकते हैं ये इस तरह से। तो इस तरह से हमारा कैप बनके तैयार है और कान्हा जी को हम पहना करके रेडी कर देंगे। देखिए बहुत ही प्यारा और सुंदर
ये हमारा कैप भी बन गया है और ये ड्रेस भी बन गई है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी तरह मिलते रहेंगे फिर आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। थैंक यू।